सदा था सदा है सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। ओम जय सियाराम। मित्रों, आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी में आज का प्रश्न श्रीमान नंद किशोर तिवारी भोलानाथ नगर साहदरा दिल्ली का लिया गया है और इनका प्रश्न है कि गुरुजी पत्नी बामांगी क्यों कहलाती है। शास्त्रों में पत्नी को बामांगी कहा गया है जिसका अर्थ होता है बाएं अंग की अधिकारी। इसीलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का हिस्सा माना जाता है। इसका कारण ये है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है जिसका प्रतीक है उनका अर्धनारीश्वर रूप। और यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। स्त्री पुरुष की वामांगी होती है, अतः सोते समय और सभा में सिंदूर दान के समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं तरफ रहने से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। बामांगी होने पर भी शास्त्रोक्त कथन है कि कुछ कार्यों में अर्थात जो कार्य परलोक से संबंधित हैं, पारलौकिक हैं, वहां स्त्री को दाईं तरफ रहना चाहिए। जैसे कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण संस्कार और अन्न प्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं तरफ बैठना चाहिए क्योंकि यह कार्य पारलौकिक माने जाते हैं और इन कर्मों को पुरुष प्रधान माना गया है। इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं तरफ बैठने का नियम है। हमने अपने कई व्याख्यानों में बताया है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति एकमात्र वह संस्कृति है जहां पर स्त्री को पुरुष से ज्यादा पूजनीय माना जाता है। स्त्री को पुरुष से सदैव ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। समाज के सभी रिश्तों में स्त्री का पद बड़ा माना गया है। जैसे माता पिता में से माता का ज्यादा अधिकार है, उनका पद पिता के पद की अपेक्षा बड़ा है। बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, भांजी, पोती, नातिन, इनमें से किसी भी पद पर स्त्री हो तो पुरुष के लिए वह माता जगदम्बा के समान पूजनीय है। इन सभी रिश्तों में भले ही स्त्री सिर्फ 7 दिन की हो और पुरुष 100 साल का हो, लेकिन पुरुष ही स्त्री की पूजा करेगा, अर्थात उसके पैर प्रक्षालन करेगा, उसका सत्कार करेगा। समाज में भी सभी स्त्रियों के नाम पुरुषों से पहले लिए जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, माता पिता, चाची चाचा, श्रीमती श्रीमान, बहन भाई, ताई और ताऊ इत्यादि। समाज के अन्य रिश्तों में जैसे कई बार चाचा अपने भतीजे से उम्र में छोटा होने पर भी चाचा अर्थात पिता के समान माना जाता है, ठीक उसी प्रकार अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियां पुरुष के लिए पूजनीय हैं। सिर्फ एक रिश्ता है जिसमें स्त्री द्वितीय स्थान रखती है और वो है पति और पत्नी का रिश्ता। यहाँ पर पत्नी के लिए पति हमेशा पूजनीय है। महिला का स्थान हमारे सनातन में सदैव सम्मान देने का रहा है। कुछ रिश्ते जिनकी वजह से लोग भटक सकते हैं उनको सनातन धर्म के नियमों से बांध दिया गया, जैसे छोटे भाई की पत्नी और अपने पुत्र की पत्नी। इन दोनों रिश्तों को हमारे शास्त्रों में अपनी पुत्री और बहन के समानांतर रखा गया और ये कहा गया कि ये चारों समान हैं। इनके बारे में पुरुष मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से गलत भावना से सोच भी ले तो महापाप होगा।
कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो बध के योग्य दुराचारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। अर्थात कन्या अपनी पुत्री, भगिनी मतलब बहन, और सुत की पत्नी अपने बेटे की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, ये चारों समान माने गए हैं। इन्हें जो कोई भी मन में भी या कर्म से या सोच भी ले ऐसा कुछ कुदृष्टि देखता है तो वह आदमी बध के योग्य है, उसको महापापी कहा जाएगा और उसका वध करने में भी कोई पाप नहीं लगता। बामांगी के अतिरिक्त पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार तत्व एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूर्ण करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे सभी सुख प्रदान करती है। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियं बदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पति व्रता। वही पत्नी है जो आपके गृह को संवारती है, घर को बनाती है, इसीलिए उसको गृहिणी कहते हैं, गृह लक्ष्मी कहते हैं। वो पत्नी ही है जो अपनी प्रिय मीठी वाणी से आपको तृप्त करती है, उसकी आवाज सुनकर ही आप अपने दिन भर की थकान टेंशन सब कुछ भूल जाते हो। इसलिए पत्नी को पति से हमेशा प्रिय लगने वाली बात करने की शिक्षा उसके माता पिता और शास्त्र भी बताते हैं। स्त्री को हमेशा पति के लिए प्रियंवदा होना चाहिए। वही पत्नी है जो अपने पति की प्राण वल्लभा हो और जिसका पति ही उसका प्राण वल्लभ हो। अर्थात पत्नी वही है जो बिना बताए अपने पति के हृदय की सारी बात समझ सकती है। पति उसकी हर बात समझ सकता हो तभी दोनों एक दूसरे के प्राण वल्लभ कहे जाएंगे, अर्थात दो शरीर और एक आत्मा बन जाते हैं। एक के खरोंच लगती है तो दर्द दूसरे को होता है, यह रिश्ता सिर्फ पति और पत्नी का ही हो सकता है। और अंतिम पद वही पत्नी है जो अपने पति के लिए मरते दम तक वफादार हो, पतिव्रता हो। यहाँ पुरुष ये न समझ लें कि पत्नी तो पतिव्रता हो लेकिन वह कहीं भी आँख मिचौली खेल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पत्नी को सीता जैसी पतिव्रता देखना चाहते हैं तो उसके पहले आपको खुद श्री राम जी का अनुकरण करना होगा। राम जी की तरह पत्नी से प्यार, उनके जैसा पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बिना सेना के पशु पक्षियों की सहायता से त्रिलोक विजेता से भिड़ जाना, उसका समूल नाश कर देना, पत्नी की अनुपस्थिति में भी किसी दूसरी स्त्री के लिए स्वप्न में भी न सोचना, पत्नी की मूर्ति बनाकर उसके साथ बैठकर यज्ञ करना, एक पत्नी व्रती राम आपको होना चाहिए, तभी आपको सीता जैसी पत्नी की कल्पना करनी चाहिए। अर्थात दोनों को वफादार होने पर ही आदर्श पति पत्नी कहे जाएंगे। स्वयं कमाओ स्वयं खाओ, यह प्रकृति है रजोगुण। दूसरा कमाए तुम छीन कर खाओ, यह विकृति है, इसको तमोगुण कहते हैं। और स्वयं कमाओ सबको खिलाओ, यह दैविक संस्कृति है, इसे सतोगुण कहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सतोगुण धारक भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। अतः हम सभी को दैविक प्रवृत्तियों को धारण करना चाहिए, तभी हम देवलोक पाने के अधिकारी बनेंगे। पत्नी ही हमेशा सतोगुण वाली मानी जाती है,
क्योंकि वही पूरे परिवार अपने मायके वाले परिवार फिर ससुराल वाले परिवार को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है। जो स्त्री इन सभी के बीच सामंजस्य बनाकर चलती है उसे ही आदर्श पत्नी, आदर्श गृहिणी, गृह लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। वहीं आजकल की मैं काले शिक्षा प्राप्त पत्नी आने के साथ अपने सास ससुर परिजनों यहाँ तक पति की जेब धन संपत्ति क्या करें क्या न करें सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती है। पति को गुलामों की तरह कभी भी कहीं भी उस बेचारे की बेइज्जती कर देंगी, ऐसा ही कुछ पति भी करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा पैसा चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को अपने अधीन करके अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। एक दूसरे के प्रति वफादारी तो आज की पीढ़ी से अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। दोनों ही तरफ से कितने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मिलन और ब्रेकअप हो चुका होता है। ऐसे स्वार्थ बस बने रिश्ते किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाते। आज विवाह और कल तलाक का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि उनके बीच प्रेम नहीं, स्वार्थ और पैसा से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पति पत्नी कैसे बन सकते हैं, इनको बामांगी या दायांग नहीं कहा जा सकता। आशा करता हूँ कि तिवारी जी आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय सियाराम।